आज का विषय है बाल श्रम, जिसे हम कहते हैं बाल्यावस्था में जिसको मजदूरी कराते हैं, जिसको बाल श्रम कहा जाता है, जिसको छोटे ही अवस्था में 18 साल से कम के एज में जिन बच्चों को फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, इत्यादि जगहों पे काम करने के लिए भेजा जाता है। हमारे आपके दिमाग में दिन प्रतिदिन एक विचार हमेशा चल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, हम लोग बढ़ा रहे हैं उसको। अभी चल के देखा जाए अगर फैक्ट्रियों में, तो 40% बाल श्रम करते हुए, बाल मजदूरी करते हुए बच्चे मिलेंगे जो कि 18 साल से छोटे रहेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज ये चला होगा कि इन्होंने बोला कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें बढ़ नहीं रहा, इसमें कोई भी चीज को बोलने से पहले बहुत कुछ सोचा जाता है। जैसे कि हमने अगर बोला कि बाल श्रम बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें कारण है हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के भाई जो कुछ पढ़ लिए हैं, जैसे इंटर हाई स्कूल तक पढ़ लिए हैं, उनको लगता है हमारे योग्य कार्य नहीं मिल रहा है, हम अपने योग्य काम को नहीं खोज पा रहे हैं, उनको ऑफिस जैसे काम में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम अब बहुत योग्य हो गए हैं, जो कि हम खुद बता रहे हैं वो योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि योग्य आदमी कभी बैठता नहीं है। किसी भी कार्य को लेकर के आप कार्य को चालू कर सकते हैं, जिसमें आप कभी भी किसी भी पथ पर चलेंगे तो वो आपके लिए कार्य सिद्ध होगा और उसको आप हमेशा हमेशा कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप किसी धंधे को ही लेके चल पड़िए, छोटा सा धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपका धीरे धीरे प्रगति करते करते आप ऊंचे स्तर तक चले जाओगे। लेकिन आज की बात जो है अभी अपने टॉपिक से हटती चली जा रही है, तो हम बाल श्रम पे ही आते हैं। तो अगर जैसे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में, कंपनियों में और इत्यादि जगहों पे, नरेगा मनरेगा में हर जगह काम मिल रहा है, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अगर बाल मजदूरी करवाने रहे हैं, बाल जो है कार्य करवाने का जो है क्षमता है, सबको काम दे सकते हैं, तो 18 साल की एज के ऊपर वालों को क्यों काम नहीं मिल रहा है, उसमें कारण है। आज यूपी से मैं हूँ, यूपी की ही बात करता हूँ, मैं यूपी की शिक्षा की बात करता हूँ। यूपी की शिक्षा जो है ना, बिकाऊ हो चुकी है। कैसे बिकाऊ हो चुकी है? जब किसी बच्चे को 8वीं में गया, 9वीं में गया, 10वीं में गया, 10वीं में जब उसको नकल करा दिया जाता है, उसको पेपर में उसको पास करा दिया जाता है, उसको आगे उत्तीर्ण करा दिया जाता है, उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता है, वो 11वीं में चला जाता है, 12वीं में चला जाता है, तो उसको ऐसे लगने लगता है कि मैं इतना क्षमतावान हूँ कि मैं आगे निकल सकता हूँ, मैं किसी भी योग्य हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, आप हो सकते हो, लेकिन कब हो सकते हो? जब आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का टाइम दिया जाए। तो अगर किसी बच्चे को आप हमेशा गोदी में लिए रहोगे, तो मैं निश्चित ही कहता हूँ कि वो चलने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर हमको छोटे से ही पढ़ने के बजाय हमको नकल करा दिया जाता है, बोला जाता है कि 10वीं में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपको आप सुविधा शुल्क देंगे हम आपको, और आप हमको सुविधा शुल्क दीजिए और मैं आपको सुविधा दूंगा, मतलब क्या हुआ? मैं आपको नकल करा दूंगा, आप हमको पैसा दे दीजिए। ये कहीं का जो आयात निर्यात किया जा रहा है, शिक्षा को बिकाऊ बनाया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, जिस प्रकार से ये सर्वथा अन्याय है, ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसी इसीलिए बाल मजदूरी बढ़ती चली जा रही है। बच्चों को जब उनके शिक्षा में रुचि नहीं हो रही है, उनको पढ़ने में मन नहीं हो रहा है, लेकिन तत्पर भी उनको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको तो पता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मुझे पास होना ही है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, वो भी आज बीए एमए और पीएचडी सब चीज करके बैठा है, और वो उसको ऐसा लगता है कि इस बार फॉर्म निकलेगा मैं डालूंगा, हो सकता है किसी तरीके से निकल जाऊं, हो सकता है, ऐसे बच्चे अगर कुछ हो भी जाते हैं तो देश का भविष्य उज्जवल करेंगे ही नहीं, वो और ही गर्त में ले जाके बैठा देंगे। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कहीं भी किसी एंगल से इसको नहीं बोला जा सकता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी को बढ़ाने वाले हम आप हैं, बेरोजगारी को घटाने वाले हम आप हैं। अगर हम आप चाहते हैं तो बाल मजदूरी
बंद हो सकती है। बाल मजदूरी जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको पढ़ाने में ध्यान दिया जाए, उनको ना कि फैक्ट्री और कंपनियों में भेजा जाए। जब फैक्ट्री कंपनियों में बच्चों को भेजा जाएगा तो हमारा काम ही क्या रह जाएगा? हम तो वैसे घूमते रहेंगे कि उधर अपना फाइल लेके चलो, वहां पे हो सकता है काम मिल जाए, वहां पे चलो वहां पे हो सकता है काम। क्यों काम मिल जाए भाई, जब तुम उस योग्य हो ही नहीं, जिस योग्य हो उसको करना ही नहीं चाह रहे हो, जिस योग्य नहीं हो उसको करना चाह रहे हो आप, और जिस योग्य नहीं हो उसको करना ही नहीं चाह रहे हो। आपको करना क्या है? आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपने उस बिंदु को देखो, मैं किस तरीके से पढ़ाई किया हूँ, मेरी पढ़ाई क्या क्या है। आप उन बच्चों को भी गर्त में डाल रहे हो, जो बच्चे पढ़ करके अच्छे से वो तैयारी कर रहे हैं, वो देखते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म पड़ जाता है, फॉर्म जब भरा जाता है तो उन बच्चों का भी एक बार रूह कांप जाता है कि 28,000 भर्ती निकली है, 18 लाख लोगों ने भरा है, 28 लाख लोगों ने भरा है, हमारा निकलना कैसे होगा। लेकिन हाँ, वो बच्चे जरूर निकलते हैं जो एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम अपने कार्य के प्रति सजग होकर के पढ़ाई करते हैं, उनको कहीं पर भी जो है किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। थोड़ा घबराहट जरूर होता है जब कैसी भी भीड़ में किसी को भी छोड़ दिया जाए तो वो उनसे एक बार घबराता जरूर, लेकिन घबराना नहीं है हमको, हमको आपको हमेशा अपने पथ पे रहना है। और इसी तरीके की एक बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप लोग ध्यान ही दे रहे हैं, हम अपने घर के बच्चों को अपने घर को संभालने के लिए निकल जाते हैं, 18 साल की एज नहीं हुई है तब पर भी फैक्ट्रियों में जाते हैं और फैक्ट्री वाले हमको काम पर रख लेते हैं, 10,000-15,000 वेतन देते हैं और हम लोग काम पे लग जाते हैं। कारण क्या है इसमें, बच्चा का भी एज नहीं है, उसको जो है काम मिल जा रहा है, और जो 18 साल 25 साल 30 साल जो जाकर के इलाहाबाद और अन्य जगहों पे तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? 18 साल के बच्चों को काम मिल सकता है, जो 18 साल से नीचे उसको काम मिल सकता है, आपको क्यों नहीं मिल सकता है? आप करना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने पास से भाग रहे हैं, आपको जो कार्य दिया जा रहा है उस कार्य को आप करने के लिए नहीं तैयार हैं। आप अगर मैं बोलता हूं आप लग जाइए अगर करने के लिए, तो आपको बड़ा एक दिन जरूर करके दिखाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि छोटे से शुरुआत ना की जाए, छोटे से हमेशा शुरुआत की जा सकती है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको कोई ना कोई नौकर बना लेगा और वो अपने सपने सच कर लेगा, आप उसके सपने में एक दिन बंधे रह जाओगे, आपके सपने कभी नहीं सच होंगे। जब आप किसी भी बंधे हुए चीज में लग जाते हो, कहीं पे आपकी सैलरी बंध जाती है, कभी आपकी फंड को एकदम बांध दिया जाता है कि आप 20,000 रुपए पाओगे, 28 दिन 30 दिन हमारे घर पे काम करना है, तो जान लीजिए आप उस तरीके से उसके सपने को सच कर रहे हो, ना कि अपने सपने को। आप कभी भी अपने सपने को उस दिन सच नहीं कर सकते हो जब आप 28-30 हजार रुपए के वेतन पे बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? जब आप अपने कार्यों को सही से नहीं करोगे, अपने कार्यों को सही से अंजाम नहीं दोगे, अगर वही पैसा ले जा करके आप सही जगह पे लगा करके अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर दें तो मैं निश्चित ही कहता हूँ आप सफल होगे। इसलिए अपने बातों को मैं विराम देते हुए अब आप लोगों से आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।